जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिन्हा वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। वर्ष 2024 बस शुरू होने वाला है और मेरी आप सभी दर्शकों के लिए 2024 की आपको शुभकामनाएं। आपको 2024 शुभ हो और आपको अच्छा प्रभाव दे। मित्रों, आज की बात करते हैं हम वृष राशि वालों के लिए कि वृष राशि का 2024 का जो वार्षिक राशि फल है वो कैसा रहेगा। तो 2024 वृष राशि का वर्ष फल, इसी चैप्टर को लेकर आपसे बात करेंगे आज। पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं कि वृष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति 1 जनवरी 2024 को कैसी है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हुए हैं मेष राशि में, अप्रैल तक यही रहेंगे। 1 मई को वृष लग्न के अंदर इनका गोचर शुरू होगा। राहु महाराज एकादश भाव में हैं, 11वें भाव में हैं और पूरे वर्ष यही गोचर करेंगे। शनि महाराज दशम भाव में हैं, पूरे साल शनि का गोचर यही रहने वाला है, लेकिन ये 29 जून को शनि महाराज बकरी होंगे तो बकरी अवस्था में भी ये रहेंगे यहीं, और आपको बकरी अवस्था का पूरा फल मिलेगा। केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, यहीं रहेगा पूरे साल। शुक्र का भी 1 जनवरी 2024 को जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव से शुक्र महाराज का गोचर शुरू हो रहा है। तो ये मित्रों थी ग्रहों की स्थिति 2024, 1 जनवरी को ग्रह कैसे थे, कहाँ बैठे थे आपके। और अब बात करेंगे आपसे ग्रहों के गोचर के बारे में कि ग्रहों का गोचर कहाँ क्या होगा तो क्या होगा। आज करीब 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपके सामने करने वाले हैं 2024 के लिए वृष राशि वालों के लिए। आप इस प्रोग्राम को वृष राशि मून साइन और वृष लग्न आप दोनों से देख सकते हैं। पूरा वीडियो है वृष राशि का, ध्यान से देखें, एक एक चीज को नोट करें कि पूरे साल का भविष्य फल है आपके लिए। बार बार आपको कोई बताएगा नहीं और जो चीज़ जानकारी हम आपको देंगे वो आपको कोई देने वाला नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान आपने जरूर करना है कि वीडियो आप देखने के बाद अपने मित्रों को शेयर जरूर करना कि जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वो आपके द्वारा आपके मित्रों को अवश्य प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करना जो नहीं चाहते करना भूलें, और जो बेल पुश आइकन है उसको भी आप ऑल करना ना भूलें। राधे राधे। वृष राशि के ऊपर से ना तो कोई ढैया है और ना ही शनि का कोई कुप्रभाव है, बहुत अच्छा वृष राशि नॉर्मल है इस वक्त। पहली भविष्यवाणी की बात करते हैं, ध्यान से सुनने वाली बात है। पहली भविष्यवाणी क्या है आपके लिए, 29 जून तक शनिदेव मार्गी अवस्था में रहेंगे। 1 जनवरी से 29 जून तक शनि महाराज रहेंगे आपके मार्गी अवस्था में। जो जातक जॉबलेस हैं, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 100% यहाँ बैठ करके शनि वृष राशि वाले जो जातक हैं वो जॉबलेस हैं उनको नौकरी देंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके मार्गी अवस्था में सस नामक जो पंच महापुरुष योग होता है उसका निर्माण कर रहे हैं दशम भाव में बैठ के। और ये योग बहुत ही योग कारक माना गया है कि हमारी कुंडली में 5 महापुरुष योग हैं जिसमें सस नामक योग शनि के द्वारा बनता है, कर्म के स्वामी है, न्याय के देवता है, बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। योग बना रहे हैं उसका फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। जो जातक सर्विस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन मिलेगा और उनकी मनपसंद जगह उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, वो सरकारी नौकरी में। बहुत से लोग चाहते हैं ना कि हमारा ट्रांसफर कब होगा, हम फलाने जगह चाहते हैं हमारा ट्रांसफर होना चाहिए। तो वृष राशि वालों के लिए ये सबसे उत्तम समय मान के चलिए। जो शनि महाराज हैं 29 जून तक मार्गी अवस्था में रहेंगे और 29 जून तक आपका मन पसंद जगह ट्रांसफर भी हो सकता है। प्रमोशन आपका पक्का है, 29 जून से पहले पहले आपको प्रमोशन मिलेगा।
आप जो भी काम करते हैं, प्रोफेशन आपका कोई भी हो, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि कर्म का स्वामी स्वयं कर्म भाव के अंदर बैठा हुआ है। और जब ऐसा स्वामी वहाँ बैठता है तो फल को छोड़िए बहुत अच्छी एक विचारधारा भी देता है, अच्छी सोच भी पैदा करता है, खुद भी काम करने के लिए औरों को भी काम कराने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी, नोट करते जाइए कि तारीख नोट करिए और जो समय बता रहे समय को नोट करिए कि आपके जीवन में इस साल में क्या क्या होने घटना घटने वाली है। शुक्र देवता 18 जनवरी से, तारीख नोट करिए, 18 जनवरी से 11 फरवरी तक अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव होता है हमारी परेशानियों का, बीमारी का, हमारी रुकावटों का, हमारी दिक्कतों का। उस समय आपको अपने अष्टम भाव में शुक्र का जो गोचर है थोड़ा परेशानी वाला होगा, तो अष्टम भाव में शुक्र को थोड़ी सी कोई रोग परेशानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। पैसा इस समय आप कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का गोचर बढ़िया नहीं माना जाता है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में कोर्ट कचहरी से बचेंगे आप, आपको फायदा होगा। यह शुक्र आपको आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर करेंगे, उसका आपको लाभ हो सकता है। शुक्र की दृष्टि धन भाव पर है तो पैसों का कोई नुकसान होने के चांस हैं। सोच समझ करके कार्य करें, इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ के करें, आप अपने घाटे से बचें। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी आपको बता रहे हैं, 11 फरवरी को शुक्र का गोचर आपके भाग्य में होने जा रहा है और आगामी 24 अप्रैल तक शुक्र का जो गोचर है पहले भाग्य में होगा, उसके बाद दशम भाव में होगा, फिर आपके लाभ भाव में होगा। इन तीन भावों में लगातार गोचर शुक्र का आपको होने वाला है। तो शुक्र करीब करीब एक महीना एक भाव में रहते हैं, तो ये आने वाले 24 अप्रैल तक, 11 फरवरी से 24 अप्रैल तक शुक्र का गोचर भाग्य में, दशम भाव में और आपके एकादश भाव में, तीनों भावों के अंदर शुक्र महाराज गोचर। इस समय शुक्र की भोजन बहुत ही अच्छी रहेगी, शनि के साथ राजयोग बनाएंगे दशम भाव के अंदर और राहु शुक्र का नाव भाव के अंदर, क्योंकि वहाँ मीन राशि है जहाँ राहु बैठा हुआ है, आपके एकादश भाव में कुंडली देख रहे होंगे, तो मीन राशि में शुक्र उचका बनता है और राहु यहाँ बहुत बड़ा कारक होता है। तो दोनों ग्रह राहु और शुक्र मित्र भी है और साथ साथ बैठेंगे तो बहुत बढ़िया एक उच्च योग और राजयोग बनाएंगे आपके लिए। 11 फरवरी से 24 अप्रैल तक आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, भाग्य आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, व्यापार वर्ग को शनि और शुक्र के राजयोग से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। जॉब वालों को प्रमोशन पद प्रतिष्ठा मिलेगी और एकादश भाव में शुक्र उच्च का बनता है तो आपको जो भौतिक सुख है जो शुक्र आपको देने वाला है, जैसे बढ़िया मकान है, बढ़िया वाहन है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले हैं, जेवर है, ज्वेलरी है, और आपको जो एक लग्जरी लाइफ शुक्र के द्वारा जो दी जाने वाली है वो आपको इस दौरान जो आपको समय बता रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। शेयर मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि राहु 11वें भाव में बैठा है, शेयर मार्केट में आपको अच्छा एक पोजीशन बनाएगा। अगर आप कोई डील करना चाहते हैं शेयर मार्केट में तो आपको सफलता की गारंटी 100% है, लेकिन आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कहा और आपने वहाँ पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट की आपको पूरी नॉलेज होगी, पकड़ होगी, तो आपको 100% आप कामयाब होंगे। तो राहु लगातार पूरे साल उसकी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी और पंचम भाव शेयर मार्केट का भाव होता है। अगर आप इस पकड़ अच्छी है शेयर मार्केट को तो आपको लाभ होगा। आपने कोई जमीन लेनी हो, मकान लेना हो, गाड़ी खरीदनी हो, कोई नया व्यापार शुरू करना हो, तो 11 फरवरी से 24 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप ये डील कर सकते हैं। चौथी बड़ी भविष्यवाणी आपके लिए, गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। गुरु हमारे शरीर के अंदर, हमारे लीवर है, हमारा पेट है, पेट में जो गैस बनती है, पेट में जो वायु विकार होता है, उसका ये कारक होता है। तो पहली बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। दूसरी बात, लाभ तो आपका, तो गुरु लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, लाभ तो आपको देगा, लेकिन आपके जो पास पैसा भी आएगा, कि गुरु लाभ भाव का स्वामी बनता है, लेकिन आपके खर्चे भी कराएगा। तो 12वें भाव में गुरु बैठा है, खर्चे कराएगा, स्वाभाविक बात है, लेकिन खर्चा आपका
धर्म के कार्यों में ज्यादा होगा, अच्छे कामों पर होगा, नेक काम पर होगा, तो इसलिए परेशान आप ना हो। 1 मई को गुरु का जो गोचर है वो 12वें भाव से आपके लग्न में आ जाएगा। वृष लग्न के अंदर, वृष राशि के अंदर गुरु का गोचर 1 मई 2024 को होने वाला है। ये जैसे ही गोचर आपका 2024 1 मई को आपके लग्न में होगा, तो वहाँ से गुरु पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, आपके भाग्य भाव को देखेंगे, और जहाँ बैठे उस स्थान पर उनकी पकड़ पूरी होती है। तो संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, आपके लव प्रेम संबंधों के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए सुप्रभाव 1 मई से पूरे साल, पूरे 2024 में आपके रहने वाला है। पत्नी पति पत्नी के जो संबंध है, जो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, जो मधुर बनेंगे। विवाह योग जो जातक हैं, बच्चे हैं, उनकी शादी के बाद बनेगी। व्यापार का भाव भी सप्तम भाव से देखा जाता है, तो व्यापार के मामले में भी आपकी उन्नति होगी। पार्टनरशिप के साथ आपका व्यापार चल रहा है, पीछे परेशानियाँ थी, लेकिन अब बृहस्पति के जैसे राशि में परिवर्तन होगा, वृष राशि में, तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। भाग्य पर दृष्टि से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लग्न में गुरु बैठा है तो आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा सम्मान दिलाएगा, आपको ज्ञान मान बनाएगा। गुरु का गोचर 12 वर्ष के बाद वृष राशि में हो रहा है, पूरे 12 वर्ष के बाद। गुरु लग्न में हमेशा शुभ प्रभाव देते हैं। हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ ज्ञान देते हैं, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि होती है अमृत रूपी वर्षा करके उन भावों का आपको अच्छा परिणाम देते हैं। तो यही गुरु आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर आए हैं। गुरु लग्न में बैठता है, वृष लग्न के अंदर, वृष राशि में, बहुत ही अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव आपको देगा। लेकिन यहाँ बैठ करके गुरु थोड़ा सा आपको एक अहंकार भी दे सकता है। आप ये भी समझ सकते हैं, मेरे बराबर कोई ज्ञान व्यान नहीं है, मेरे बराबर कोई अकलमंद नहीं है, उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। 5वीं सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी भविष्यवाणी, शनिदेव बकरी होंगे 29 जून को, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि महाराज बकरी अवस्था में रहेंगे। तो बकरी ग्रह हमेशा चेष्टावली होता है और बहुत ही ताकत उस ग्रह के अंदर आ जाती है, जो ग्रह बकरी अवस्था में होता है। तो आपको दशम भाव के फल के साथ साथ में वो पीछे वाले भाव, नवम भाव को देखेगा, प्रभाव डालेगा, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको दशम भाव यानी कर्म भाव का भी साथ मिलेगा। दोनों भावों का शनि आपको मिला जुला परिणाम अपने बकरी अवस्था में देंगे। पिता से अगर आपकी अनबन बन रही थी तो इस दौरान उसके संबंध आपके मधुर हो जाएंगे, पिता के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे और पिता आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। भाग्य आपका पूरी तरह से आपको साथ देगा। नवम भाव पिता का भाव भी होता है, तो आपको पिता को भी इस समय शनि के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, पिता को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव आपकी राशि पर शुभ रहेगा। तो वृष राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। 2024 शुभ, आप इसको शुभ वर्ष मान सकते हैं, हमारे हिसाब से तो गोल्डन टाइम है, लेकिन आप इसको शुभ वर्ष मान सकते हैं। सभी बकरी अवस्था में आपको सरकारी काम में लाभ कराएंगे, नौकरी व्यापार की स्थिति सुविधाजनक रहेगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और 2024 आपके लिए एक शांतिदायक वर्ष रहने वाला है। 6वीं और आखिरी भविष्यवाणी आपके लिए, 18 साल के बाद राहु का गोचर आपके एकादश भाव यानी आय के भाव में हो रहा है, और एकादश भाव होता है हमारी इच्छाओं का, हमारी मनोकामना पूर्ति का भाव होता है, मित्रों का भाव होता है, बड़े भाई का भाव होता है। तो बड़े भाई से थोड़ी सी अनबन करा सकता है राहु पाप ग्रह, बड़े भाई से थोड़े संबंध बिगाड़ सकता है, लेकिन बाकी आपको हर फील्ड में फायदा देगा। तो राहु जैसे जो ग्रह का गोचर बताते हैं कि 3रा 6ठा 10वां 11वां भाव में बहुत बढ़िया माना जाता है, तो राहु आपके 11वें भाव में आ रहा है तो बढ़िया ही होगा। वैसे किसी भी ग्रह के बारे में ये भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह आगे बैठता है वो बढ़िया परिणाम देता है, लेकिन अगर पाप ग्रह बैठेंगे तो वो बढ़िया से भी बढ़िया परिणाम आपको वहाँ दिखाएगा। तो राहु आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाला 11वें भाव में। इस समय राहु का गोचर यहाँ पूरे साल रहेगा, पूरे 2024 में, तो राहु 1.5 साल एक घर में रहता है और 18 साल के बाद यहाँ उसकी वापसी हो रही है।
तो 1.5 साल का समय राहु 30 अक्टूबर को बदलेगा, तो 2025 में इसने बदलना है अपने स्थान को। तो फिलहाल ये 2024 में पूरे साल रहने वाला है, केतु भी पूरे साल पंचम भाव में रहेगा, जो आपके संतान के लिए सुखदायक योग बना के बैठा हुआ। एकादश भाव हमारे लाभ का, इनकम सोर्सेज का भाव होता है। शनि कर्म फलदाता आपको काम देंगे, कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, और 11वें भाव में बैठा हुआ राहु आपको उस कर्म का फल देगा। ये है आपके लिए छठी भविष्यवाणी। राहु बहुत ही शानदार कह सकते हैं, शनि 10वें भाव में बैठा है, राहु 11वें भाव में बैठा है, दोनों जो ग्रह हैं आपको शुभ और शुभता देंगे, आपको नए स्रोत बनेंगे आपकी इनकम के, मित्रों से आपको लाभ होगा, विदेश से आपको लाभ के चांस बनेंगे, विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है 2024 में। राहु इस समय मीडिया का कारक है, आज का जो युग चल रहा है मीडिया का युग है, और राहु इसका कारक माना जाता है, और कारक जब आपके 11वें भाव में बैठता है तो यहाँ आपकी हर मनोकामना हर इच्छा की पूर्ति करेगा। पंचम भाव भी राहु के अंडर में है, पंचम भाव को भी राहु देख रहा है, और पंचम भाव होता है हमारे बुद्धिबल का। तो अगर आप दुनिया पे छाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया पे मेरा नेम फेम मेरा नाम बढ़ जाए, तो पंचम भाव बुद्धिबल का, अपने बुद्धिबल के द्वारा आप दुनिया पर छा सकते हैं। इस समय राहु इतना ताकतवर है कि पंचम भाव जो आपके बुद्धिबल का भाव है, इस बुद्धि के द्वारा आपकी बुद्धि को इतना तीव्र करेगा कि आप दुनिया पर छा सकते हैं। अगर आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, ट्विटर है, गूगल है, और किसी भी मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई काम करते हैं और उस पर जाना भी चाहते हैं, तो राहु आपको यह अप्रत्यक्ष लाभ देगा, आकस्मिक लाभ देगा, और आपको विश्व प्रसिद्ध भी बना सकता है। आइए इस राहु के मायावी राज में आपका स्वागत है, कि राहु आपका 11वें भाव में बैठा है, आपको दुनिया की सैर कराएगा और दुनिया के सामने आपको एक नेम फेम दे के आपको प्रसिद्धि करेगा। तो मित्रों, ये था वृष राशि 2024 का छोटा सा वार्षिक वर्षफल। आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मुझे अपनी जो मन में भावना है वो कमेंट में आप जरूर बताएं, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको प्रोग्राम अच्छा ही लगा होगा, अच्छा ही प्रोग्राम है आपके लिए, तो आप इसको अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैं आपको कुछ उपाय भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका शुक्र बढ़िया पोजिशन में नहीं है, क्योंकि शुक्र ही लग्न के बारे में मैंने आपको बात की है, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है, आप जो खुशबू वाली चीज़ है, सेंट है, खुशबू वाले तेल हैं, या खुशबू वाली और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उनका उपयोग करें। आप नहाते हैं, नहाने के पानी में आपको गुलाब जल डाल के नहाना चाहिए। बुधवार को आपको गाय को हरा चारा देना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे शुक्र आपका अच्छा बनता है। और अगर आप शुक्र के जाप करते हैं, शुक्र मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप करते हैं, तो भी आपका शुक्र आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको चला देगा। प्रोग्राम यही समाप्त करने आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।